सरियार साहब, फरहान बोल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। अच्छा, आपसे ये पूछना था कि आपने देखा होगा कर्नाटका का जो ड्रामा चल रहा है। जी हाँ। तो उसके सिलसिले में कल गवर्नर ने भी कुछ बोला कि फ्लोर टेस्ट 130 तक करो, और अब ये सुनने में आया है कि जनता दल और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में जा रही है। जी हाँ, तो इस जी मामले में आपका क्या कहना है? मुझे सुप्रीम कोर्ट का विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट से जो डिसीजन डायरेक्शन स्पीकर को आए कि ये एमएलए अगर हाउस में नहीं है तो भी कोई बात नहीं कर पूरा ना, मुझे वो समझ नहीं आया मुझे। क्योंकि इट हैज एक्सीडेड इट्स ब्रीफ। 10th अमेंडमेंट को कम्प्लीटली एनल करके उसको कम्प्लीट वायलेशन मेरे ख्याल से। एंटी डिफेक्शन लॉ का फायदा ही क्या अगर उस पार्टी के एमएलए जाके कहीं छुप जाए और डिफाइंटली बोले कि हम लोग नहीं आते। और यह है फरहान साहब, इसमें क्या है, इसमें जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है, पहले कांग्रेस और जेडीएस एंटी डिफेक्शन लॉ इन्वोक करके, इसके बाद इन्होंने रेजिग्नेशन करके हैं। सो तो इन द ऑर्डर ऑफ थिंग्स ना, इनको एंटी डिफेक्शन तो लागू होना। अच्छा, रेजिग्नेशंस में रेजिग्नेशंस करे तो ये लोग बच जाते। अब होता क्या है, देखिए ये लोग का अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करा स्पीकर, अगर ये नहीं आए, व्हिप इशू हो गई कि लोग आना बोलते नहीं आए, तो देन हाउ विल दे इन्वोक द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब समझ गए ना, ये इनका रेजिग्नेशन रमेश कुमार एक्सेप्ट नहीं करता, दे आर स्टिल मेंबर्स ऑफ द पार्टी एंड द व्हिप इज इशूड दैट दे शुड कम, दे विल नॉट कम। Supreme Court has said they will come, it is their discretion, you cannot force them. It is a mockery of anti-defection law and 10th amendment, first. Okay. दूसरा जो कुमार स्वामी कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। कल जो मोशन के बारे में डिबेट हुआ था, टू एंड फोर हुआ था, कल गवर्नमेंट से डायरेक्शन आए थे, हालांकि गवर्नमेंट भी अपना मैंडेट एक्सिट किया। आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज गवर्नमेंट इज अ स्टूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, पहले गवर्नर को रखे थे ब्रिटिश एरा में ताकि इतने स्टेट्स डिवाइड हो गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती स्टेट्स को बोल के, वरना गवर्नर का इंस्टीट्यूशन इस मुझे पूछे तो नहीं रहना। दे हैव बिकम यू नो द एजेंट्स एंड कंट्रोलर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हें जो रमेश कुमार को बोला कि कल ही मोशन ट्रस्ट वोट करके खत्म कर दो बोले, वो दैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। दूसरा जो आज कुमार स्वामी को 130 का टाइम देखे हैं, दैट इज वो दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है बोले तो दे शुड नॉट प्रोलॉन्ग द एगनी। ठीक है ना, ट्रस्ट कोर्ट में जाना कुमार स्वामी कल कर तुम बोले, फाइनली आज करना, डिले करने का मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, डिले करने का मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस और हाँ डेरियस टाइम लेके अपने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। और देखो फरहान साहब, इसमें कन्विंस ये आप क्लियरली जानते हैं, मैं और आप बेबाक जर्नलिस्ट है, मैं भी बेबाक आपका गेस्ट रहा हूँ। ये हॉर्स ट्रेडिंग, लॉग रोलिंग कहते हैं, पॉलिटिकल शिकैनरी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। सही है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के, लोगों का मजाक उड़ा के, ये वो गांव में चलते हैं ना ट्रेड फेयर्स, घोड़ों की, गद्दों की, गायों की, वो बना के रख दे हैं एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, सैंक्टिटी ही नहीं रही डेमोक्रेसी की। जी जी सही है, एच डी कुमार स्वामी ग्रेसफुली स्टेप डाउन करना है। ठीक है ना, उसके बाद येडियुरप्पा, तुमने मालूम ना येडियुरप्पा का भी रिकॉर्ड क्या है। येडियुरप्पा बहुत जल्दी में है सीएम बनने का, क्योंकि वो 75 इयर्स क्रॉस करते हैं, एक दिक्कत है कि उससे ज्यादा जो क्रॉस करते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं होल्ड करना बोल के अमित शाह मोदी साहब का। और यू नो ये भी लोग जल्दी हैं, मगर होता क्या है, वो अगर गवर्नमेंट भी फॉर्म कर देना तो जो बीच में जो गैप है 3 या 4 MLA की है, तो इवन दैट गवर्नमेंट ऑल्सो विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, इट नॉट एंजॉय द मेजोरिटी उस तरह से कि वो बिल्स पास कर सके। हाँ जी जी, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, लॉग पॉलिटिकल लॉग रोलिंग के लिए फिर भी स्कोप है। तो हमें क्या बोलते हैं, एक फाइनली एक सोल्यूशन बोलता हूं मैं इसका जी। करना क्या है, रिफॉर्म्स में क्या करना है कि जो एमएलए रिजाइन करे उनका रेजिग्नेशन या एंटी डिफेक्शन जो भी, उनको उतार के हाउस का स्ट्रेंथ 113 होना, 223 ऑन द असम्पशन दैट देयर 223 टू 1 एंग्लो इंडियन एमएलए है, उसी स्ट्रेंथ में हमेशा
हर असेंबली में, हर लेजिस्लेचर में, इवन पार्लियामेंट में बेसिक स्ट्रेंथ उतना रखना, 113 पे ही होना फ्लोर टेस्ट, 223 मेंबर्स होना फिर फ्लोर, ये क्या है ये? दो, एक 20 जन रिजाइन हो गए, हाउस की स्ट्रेंथ 200 होगी, उसका बेंचमार्क ले लेते हैं 105 बोल के, ये मेरे ख्याल से इसका गलत यूज कर रहे हैं हमारे लॉ मेकर्स। बस लॉ मेकर्स सब कोई अपनी अपनी दुकान बचाने की कोशिश में, और क्या है, ये लोग मुल्क को खुलेआम बेच रहे हैं फरहान साहब, इन नालायकों को, इनको मैं बोलता हूँ ना, इन लोगों को वर्स्ट सजा देना, ये मर्डरर से खिलाफ है, आदमी आदमी का मर्डर करता है लेकिन एक पूरे देश का मर्डर कर रहे हैं खुलेआम। अब देखिए एक महीना से कुछ काम हो रहा है क्या? बस ये लोग अपनी चीज अपने काम में लगे हुए हैं। ये गंदे गए गुजरो लोगों की दौलत देखिए, आप दौलत देखिए इनकी, दे आर वर्थ 300,000 crores, 200 एक ही दो तीन महीने में 300 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, किसके बाप के पैसे हैं फरहान साहब? ये लोग समझते क्या हैं? और भी इनकी हवस कम नहीं हुई है इन लोगों को, कर्नाटका के लोग जो गरीब हैं, जो उनकी तो हालत चेंज ही होके नहीं है, बच्चे स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान से एक दूसरे लड़के मर रहे हैं, लेकिन इनके कामों में ये लोग मगन है, ये लोग ये बेशर्मों को हराना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच शरयर भाई, थैंक यू। हेलो ताहिर साहब जी, फरहान बोल रहा हूँ इंडियन मीडिया से। जी जी बोलिए। अच्छा, ऐसा है कि जो गवर्नर ने डायरेक्शन दिया है कि स्पीकर को कि 130 में फ्लोर टेस्ट करने के लिए, जी जी, वो एक पॉइंट है, और दूसरी पॉइंट है कि जेडीएस और कांग्रेस अभी इसके अगेंस्ट में कि स्पीकर गवर्नर डायरेक्शन नहीं दे सकता है स्पीकर को, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग फाइल कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो पर्सन जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पीकर को कोई डायरेक्शन देने को मना कर दिया था, उसने बोला स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उसके रूल्स रेगुलेशन है और हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पीकर उसको फॉलो करेगा। तो ऐसे ही गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्पीकर भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो ये किसी को ओवरलैप नहीं कर सकते, किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकते आपस में। तो जो स्पीकर ने जो किया है वो इलीगल, वो ये इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो स्पीकर का जब तक एक गवर्नमेंट है बनी हुई है और तब तक स्पीकर क्या कर सकता है, ये गवर्नर क्या है, स्पीकर किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो मतलब ये बोल रहे हैं जो गवर्नर ने डायरेक्शन दिया वो रॉन्ग है, और इससे सुप्रीम कोर्ट जाके उनको सिर्फ इतना फायदा होगा कि और उनको और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी आज फ्राइडे है, आज मोस्टली वो लोग कुछ स्टे करा देंगे उसकी बात के ऊपर, फिर सैटरडे संडे कुछ होगा नहीं, फिर मंडे ट्यूसडे, ये इससे क्या होगा, जो रेबल एमएलए है ना उनका मॉरल डाउन होएगा और हो सकता है दे विल कम बैक टू कांग्रेस। और एक और चीज, कल स्पीकर ने एक्चुअली जो बीजेपी का जाने का मकसद क्या हुआ, क्योंकि स्पीकर ने पहले फ्लोर टेस्ट शुरू होने से पहले क्लेरिफिकेशन दे दिया कि विप विल बी एप्लीकेबल इन ऑल मेंबर्स। अच्छा, तो अब जब उसने एप्लीकेबल मान लिया तो नेचुरली क्या, अगर फ्लोर टेस्ट उसके बाद होएगा तो सब लोग डिस्क्वालीफाई, विप नहीं मानने की वजह से डिस्क्वालीफाई होने के घर पे आ जाएंगे सारे लोग। इसलिए तो इस वजह से ये लोग बीजेपी जाके अपने जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है उसकी पावर को इस्तेमाल करके या इसको मिसयूज करने की कोशिश की है। पर अकॉर्डिंग टू मी ये स्पीकर बज नहीं रहा प्रेशर में, और लीगली भी गवर्नर स्पीकर को या हाउस को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि इतने तक करो। अच्छा, तो होपफुली क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इनको फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा, और ये ऑर्डर कुछ भी नहीं है, मगर इससे इनको ज्यादा टाइम मिलेगा, और जो चीज आज या कल हो जाने वाली थी वो मंडे ट्यूसडे तक भी टल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से इनको फायदा होने का चांस है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से जाने में टाइम मिलेगा, क्योंकि दे अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस बात पे जा रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हम फ्लोर टेस्ट करना नहीं करना, वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए जा रहे हैं कि गवर्नर का जो डायरेक्शन ऐसा दे सकता है यानी स्पीकर को, हाउस को। अच्छा अच्छा, तो नेचुरली क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको इमीडिएट उसको सुप्रीम जो गवर्नर का जो इंटरफेरेंस है उसको ना बोलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशनली वो, तो इनको और टाइम मिल जाएगा वो। ओके, थैंक यू तहिर भाई, थैंक यू। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन मीडिया बुक को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके पास अगर कोई भी खबर है, कोई जानकारी है, कोई न्यूज़ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उसकी तहकीकात करके अपने मीडिया चैनल पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिससे ये खबर दूसरों तक पहुँच सके।